महंगाई की मार, किसान आंदोलन, पेट्रोल डीजल, अन्य मुद्दों की आवाज़ उठाते हैं राज्यसभा में सांसद दीपेंद्र हुड्डा। पिंजौर में कहा, हरियाणा वेलफेयर काउंसिल प्रदेश अध्यक्ष आरसी शर्मा ने पिंजौर शहर की एचएमटी कॉलोनी में हरियाणा वेलफेयर काउंसिल के प्रदेश अध्यक्ष आरसी शर्मा ने कहा कि देश और प्रदेश में महंगाई की मार, किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, रसोई गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों, सब्जियां और राशन की बढ़ती कीमतों, अन्य मुद्दों को लेकर हरियाणा राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के लोगों की आवाज़ उठाने में युवा नेता, युवाओं की पहली पसंद है और युवा नेता एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा युवाओं की पहली पसंद बन चुके हैं और हरियाणा के लोगों की समस्याओं और शिकायतों को हरियाणा राज्यसभा में भी उठाते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है और सरकार के खिलाफ महंगाई, किसान आंदोलन को लेकर देश और प्रदेश की जनता में त्राही त्राही मची हुई है। आज दीपेंद्र हुड्डा किसान आंदोलन के बारे में बोलते हैं, महंगाई के बारे में संसद में भी आवाज़ उठाते हैं। महंगाई देख लो आप, कहाँ पेट्रोल या डीजल कहाँ पहुँच गया है। हर चीज़ महंगाई है, चाहे सब्जी ले लो, राशन ले लो, गैस ले लो, हर तरफ क्या है, तराही तराही है। और उसके बारे में खुल के लोगों के बीच में जाते हैं, चाहे किसान वर्ग हो लो, चाहे एम्प्लॉयज ले लो, चाहे कोई भी वर्ग ले लो, चाहे मजदूर वर्ग ले लो, खुल के क्या है बोलते हैं और खुल के लोगों की आवाज़ उठाते हैं। वह एक ही लीडर दीपेंद्र हुड्डा जो राज्यसभा में बोलता है। जैसे ही यूथ को पता लगा तो काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए उनके स्वागत के लिए। इससे क्या है पता चलता है, आने वाला जो चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा जी होंगे, और दीपेंद्र एक ऐसा व्यक्ति तो है जहाँ भी जाता है जाएगा इलेक्शन में 20-25 हज़ार वोट कन्वर्ट करने वाला एक ऐसा नेता है। दीपेंद्र हुड्डा और दूसरे लीडरों में क्या डिफरेंस है? दूसरे जो लीडर हैं वो लोगों की आंखों में आंखें डाल के देखते हैं ये क्या है, परंतु भाई दीपेंद्र हुड्डा लोगों की एज देखता है और वो पैरों की तरफ इशारा करके पैर छूता है लोगों के, और उसकी शालीनता इतनी गहरी है। आप कलोई हल्के में ले लो, 48 हज़ार वोटों से जीतता था, कभी 58 हज़ार से जीतता है, 95% तक इसको वोट अपने गांव से मिलती है। मैं जैसे खुदवाली से हूँ, सारी की सारी वोट इनको मिलती है क्योंकि ये सबका लाडला है। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में सबका लाडला है और बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा लीडर है, और आज के युद्ध को और लोगों की आवाज़ को, भावनाओं को समझता है।